एक्चुअली बेसिकली मैं बिलोंग तो मोट से करता हूँ जो झांसी से 50 किलोमीटर्स दूर है। मेरी स्टार्टिंग की एजुकेशन वहीं पर हुई 8th क्लास तक, फिर हमारा वहीं से स्ट्रगल फेज स्टार्ट हुआ। मैंने 9th, 10th, 11th और 12th मोट से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर प्रेजेंट लोकेटेड चिरगांव से किया। फिर वहाँ पर मेरा एक फ्रेंड सर्किल बना, टीचर्स का एक ग्रुप मिला जहाँ से कॉन्फिडेंस आया कि हम आगे भी बढ़ सकते। फिर आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th इन बायोलॉजी स्ट्रीम हम कानपुर मूव किए, जहाँ पर उस समय पर कोचिंग की बहुत प्रिपरेशंस वगैरह होती थी। वहीं से हमने CPMT को लेकर, AIPMT को लेकर प्रिपरेशन की। एक साल लगा, दो साल लगे, फाइनली BDS में सेलेक्ट हुआ और भोपाल के एक बहुत ही फेमस डेंटल कॉलेज, दैट इज पीपल्स कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस से मैंने अपना BDS कंप्लीट किया। जब मुझे खुद MBBS नहीं मिला तो बस वहीं से ये जुनून जागा कि अगर मैं जो चीज़ खुद नहीं पा पाया हूँ आने वाली जनरेशन को मैं वो दे सकूँ, और बस वहीं से मेरी इस कोचिंग लाइन की जर्नी स्टार्ट हुई। इवन जब मैं कॉलेज में भी था तो मैं बच्चों को, अपने जूनियर्स को पढ़ाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता था, बट उससे मुझे नॉलेज मिलता था। जब मैं झांसी लौट कर आया तो एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, उनसे मेरी मीटिंग हुई। मैंने भी अपनी बात रखी कि मुझे बायोलॉजी पढ़ानी है, बच्चों का सिलेक्शन कराना है, उन्होंने भी मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया और फिर वहीं से मैं स्टार्ट किया। स्टार्टिंग ईयर्स में ही मैंने बहुत सारे सिलेक्शंस दिए। उस समय नीट नहीं होता था, उस समय हमारा AIPMT होता था, CPMT बंद हो चुका था, बट वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और फिर मैं सिलेक्शन देता गया और फिर मैं कहीं नहीं रुका। कुछ टाइम उस कोचिंग प्लेटफॉर्म पे काम करने के बाद फिर मन में आया कि क्यों ना खुद का प्लेटफॉर्म जनरेट किया जाए, और फिर वहीं से स्टार्टिंग हुई एनालिसिस एकेडमी की। मेरे एक फ्रेंड सर्किल में जो टीचर हैं हमारे फिजिक्स के, जो मेरे इस कोचिंग में पार्टनर भी हैं, मिस्टर मनीष पालीवाल, जो हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाते हैं, एक दिन ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था कि क्यों किसी के अंडर में काम किया जाए, कोचिंग की स्टार्टिंग की जाए। तो जब भी कोई मीटिंग होती थी हमारे स्कूल्स में, प्रिंसिपल्स मीटिंग करते थे या कोई डायरेक्टर्स मीटिंग करते थे, या जब भी हमने बड़े बड़े इंटरव्यूज देखे तो वहाँ एक वर्ड आता था, एनालाइज करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है, इस मैटर को एनालाइज करना है। तो वहीं से ब्रेन में आया कि क्यों ना हम इस एनालाइज वर्ड को ही ग्रैप करें, और वहीं से स्टार्टिंग हुई हमारी एनालिसिस एकेडमी की। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को अभी तक 7 to 8 years कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, और टिल नाउ चाहे वो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम हो, क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम्स हो, नीट एग्जाम्स हो, इवन JEE मेंस और एडवांस हो, हमने हर फील्ड में कई सारे सिलेक्शंस दिए, झांसी टॉपर्स दिए, और ये प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू चल रही है। जब एनालिसिस की स्टार्टिंग हुई तो हमने क्लास 9th to 12th ही स्टार्ट किया था, बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, थोड़ा डगमगाए भी थे कि इतना बड़ा सेटअप लेकर चल रहे हैं, क्या आगे ग्रो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट थोड़ा पेशेंस रखा और उस टाइम से लेकर अभी तक, इवन कोविड पीरियड में भी हमें बच्चे मिले जिनको हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाया, बच्चों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और वही रिजल्ट है कि बच्चों के सपोर्ट से, टीचर्स की हेल्प से, टीम मेंबर्स की हेल्प से, मैनेजमेंट की हेल्प से, हम वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कम्प्लीट कर पाए। जब हमने स्टार्टिंग की थी तो फेमस तो कोचिंग थी ही नहीं, स्टार्टिंग थी, नाम भी लोगों को नहीं पता था, तो बस लोग सोचते थे है कोई कोचिंग छोटी मोटी, आज आई है कल बंद हो जाएगी, जैसा कि होता रहता है हर जगह पर। बट धीरे धीरे हमने ग्रो करना स्टार्ट किया, मेहनत की, पेशेंस रखा, और आज हम झांसी की जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उन इंस्टीट्यूट्स में हमारी भी काउंटिंग होती है, हमारे सिलेक्शंस काउंट्स होते हैं, और कई सारे लोग जब हमसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि सर आपने जो हार्डवर्क किया है इस कोचिंग को लेकर वो सराहनीय है और अप्रिशिएबल है। तो हर जगह अप्रिशिएशन मिलता है, उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आज जब हमने इस कोचिंग की स्टार्टिंग की थी आई थिंक अप्रॉक्स 60 to 70 स्टूडेंट्स थे सारे बैच मिलाकर,
और आज हम 300 की स्ट्रेंथ क्रॉस कर रहे हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। टॉप 10 की तो बात छोड़िए, हम टॉप 5 में भी हैं इस समय। और अगर बच्चों का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का बिलीफ सिस्टम रहा, हमारे टीचर्स की मेहनत रही, तो हम टॉप पर भी पहुंचेंगे। झांसी हर सिटी में हर टाइप की कैटेगरी के लोग रहते हैं, कुछ रिच क्लास है, कुछ मीडियम क्लास है, कुछ मोर देन एवरेज है। तो जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पेरेंट्स जो मीडियम क्लास के हैं या बिलो मीडियम है, वो उन सारी कोचिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते। बस हमारे ब्रेन में यही पॉइंट क्लिक किया और हमने इसी चीज़ को ग्रैब करना स्टार्ट किया। अगर कोई पेरेंट्स बोल रहा है कि सर मैं नीडी हूँ, मुझे हेल्प चाहिए, मेरे बच्चे को पढ़ाना है, वो सिलेक्शन देगा, तो हमने इस पर भी काम किया। तो हमने पेरेंट्स को कभी भी फीस को लेकर, फीस के मैटर को लेकर कभी भी पेरेंट को निराश नहीं किया, रिटर्न नहीं किया उसको कोचिंग से, उसको एडमिशन दिया। और बिलीव मी, बहुत से ऐसे बच्चे जो लोअर मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें रिजल्ट्स दिए। हमारा इवन जो फर्स्ट नीट का रिजल्ट था, वो यहाँ झांसी का नहीं था, झांसी के पास एक जगह है निवाड़ी, वहाँ का था, और उसने 12th के साथ ही नीट निकाला था। अब वो कंप्लीट अपनी डॉक्टरी कर चुका है, इवन वो पीजी की प्रिपरेशन भी कर रहा है। और इवन अभी तक वो सारे बच्चे जिनको हमने हेल्प की किसी भी वे में, वो अभी तक हमारे कॉन्टेक्ट में है। और यही देखते हुए इस साल भी हमारे जो बैचेस हैं 9 to 12th के, वो सारे बैचेस फेल हो चुके हैं। और बाय 1st of August मैंने एक पहल स्टार्ट की है झांसी में पहली बार, कि हम बच्चों को फ्री ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें क्या होगा, हम सारी क्लासेस के बच्चों को लेंगे, 9th, 10th, 11th और 12th। कहीं पर भी कोई हिडन चार्जेस नहीं है। थोड़ा बहुत जो मेंटेनेंस चार्जेस पेरेंट्स खुद से देना चाहेगा टीचर्स के लिए, हम सिर्फ वही एक्सेप्ट करेंगे। हमारा मेन मोटो है, जो बच्चे नीडी हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, या जिनके पेरेंट्स की सैलरी या इनकम इतनी नहीं है, बट वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे अपनी कोचिंग में और उनको एजुकेशन दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी जो इनकी सिक्योरिटी मनी होगी, जो इनकी ट्यूशन फी होगी, वो सब कुछ फ्री होगा। सिर्फ थोड़ा बहुत मेंटेनेंस अमाउंट इसलिए लिया जाएगा, सो दैट बच्चों को ये ना लगे कि हमें फ्री में पढ़ाया जा रहा है, जिसका वो निगेटिव इंप्रेशन उनके ऊपर ना जाए। अदरवाइज पूरी की पूरी फीस इनकी फ्री है। हर इंसान का जो एम होता है लाइफ में, कि हमें टॉप पर पहुंचना है, मैं बस इतना चाहता हूं कि झांसी के जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कभी भी उनके साथ कहीं पर भी मिलें, दुनिया बहुत छोटी है, हम कभी भी उनसे मिलें तो उनको लगे कि हाँ, हमने उनको कुछ प्रोवाइड किया है। और बस यही रीज़न है कि जो पेरेंट्स नीडी हैं, जो बच्चों को लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, सिर्फ पैसों की वजह से वो कहीं नहीं जा पा रहे हैं, कहीं ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हमारे दोनों सेंटर, चाहे वो एनालिसिस एकेडमी हो, एक सेंटर हमारा आतिया तालाब पर भी है रिदिम के नाम से, चाहे वहां पर हो, वो कहीं पर भी इनरोल कर सकते हैं। और इवन हमारी जर्नी सिर्फ झांसी लेवल तक नहीं रुकेगी, आने वाले टाइम में हम अपनी फ्रेंचाइजीज भी ओपन करेंगे, जो भी झांसी के आसपास के एरियाज है जहां पर नीड है पेरेंट्स को, हम वहां तक भी पहुंचेंगे। जब हमने जर्नी स्टार्ट की थी, तो हमारे पास मैनेजमेंट में एक सिंगल स्टाफ था, जो सारी काउंसलिंग देखता था, मैनेजमेंट पेरेंट्स को हैंडल करता था, एक हम ऑपरेटर लेकर चलते थे, सिर्फ दो लोगों की टीम थी मैनेजमेंट स्टाफ में देखी जाए। और आज हम अप्रॉक्स 6 to 8 पर्सन को लेकर चल रहे हैं मैनेजमेंट स्टाफ में। टीचर्स की बात की जाए तो 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी। स्टार्टिंग में हम 4 ही टीचर्स लेकर चल रहे थे, बट राइट नाउ वी हैव मोर देन 15 स्टाफ्स। ओके, एंड ये जर्नी यहाँ थमनी नहीं है। हमने जो बच्चे नीडी हैं, बच्चों को लगता है, जैसे झांसी शहर में बहुत से बच्चे आसपास के एरिया से आते हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, रूम लेकर पढ़ाई करते हैं, अगर उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, उनके रूम पर एसी नहीं है, कूलर की फैसिलिटी नहीं है, इस चीज को देखते हुए हमने अपने एनालिसिस एकेडमी के सेंटर पर एक लाइब्रेरी भी रिसेंटली ओपन की है, जहां पर बच्चे बहुत मिनिमम चार्जेस पर 300 rupees, 500 rupees पर आकर, पर मंथ जो चार्जेस हैं, इन पर आकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बुक्स अवेलेबल हैं, पूरी एसी इन्वायरमेंट है, वाईफाई लगा हुआ है, सब कुछ बच्चों के लिए फैसिलिटीज हैं, बच्चों का वेलकम है, पेरेंट्स ने भी विजिट्स किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। स्टिल वी हैव लॉट्स ऑफ सीट्स जो अभी अवेलेबल हैं, तो जो बच्चे चाहते हैं लाइब्रेरी को ज्वाइन करना, उनके लिए भी ये फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की है इस बार।